हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स बेटा, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि अपना क्वेश्चन के पेपर के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है और उस पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको जो रूल फॉलो करना है, फॉलो 3 P's रूल। That means practice, practice, practice. Math is the name of practice. जो भी आप काम करते हैं वो आपका रिटर्न में होना चाहिए। रीडिंग से आपका काम नहीं चलता बेटा। मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू हेल्प योर सेल्फ इन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ मुझे प्लस लगाना था और अभी तक हम माइंड में माइनस लेके चल रहे थे, या माइनस माइनस हम क्या कर रहे हैं, उसको नेगेटिव ही लेके चल रहे हैं, प्लस होना था, या नेगेटिव का स्क्वायर करते टाइम हम नेगेटिव साइन ही उसे मार्क कर रहे हैं। तो हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि हम प्रैक्टिस करने से रिमूव कर सकते हैं बेटा। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज एनसीईआरटी पर करें फोकस। मेन जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की बेटा, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। आपने कोशिश करनी है कि हम उसका किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना छोड़ें, है ना। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए और सिलेबस काफ़ी कम हो गया है हमारा। किसी भी चैप्टर में तीन चार से ज़्यादा कंसेप्ट आपके पास नहीं है रिवाइज करने के लिए, और इधर उधर की फालतू बुक्स पर कहीं ध्यान नहीं लगाना। सिर्फ मेन एनसीईआरटी अगर आपने कंप्लीट कर ली तो आप बहुत समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट ऑफ टाइम, डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम एज पर द वेटेज ऑफ चैप्टर एंड क्वेश्चंस। तो आपको ध्यान रखना है कि किस चैप्टर में से हमारा कितने उसकी वेटेज है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि वेटेज बहुत कम है, 4 नंबर की है और हम उस पर 1 हफ्ता लगाए जा रहे हैं बेटा। आपने वो सब चीज़ें भी बहुत ध्यान रखनी है, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली ज़्यादा हमें अपनी प्रिपरेशन का शेड्यूल ऐसे बनाना है कि जो भी स्कोरिंग चैप्टर है हमारे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं उन पे हम इतनी अच्छे से तैयारी करें, चाहे हमें 1 दिन फालतू ही देना पड़े, लेकिन उसमें हमारी कहीं गलती का या मार्क्स कटने का चांसेस ना रहे। सॉल्व करने हैं आपने क्वेश्चन, फिर चेक करने हैं उनके आंसर। ये नहीं कि जो मैंने कर दिया वो ठीक है, उसको आपने आंसर को चेक जरूर करना है। आंसर होते हैं ना आपके पास बुक में भी पीछे, तो ज़रूर चेक कीजिए कि जो मैंने किया है या आपके टीचर्स ने जो कराया है वो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने किया है या ऐसे ही कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं है, है ना। तो आपने पहले सॉल्व करना है, चेक करना है उसे, अपने आप चेक कीजिए और उसके बाद उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज अगेन एंड अगेन। बेटा मैथ्स में आपने प्रैक्टिस डेली अपनी करनी है, चाहे आपका आधे घंटे का टाइम आपने देना है, लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसे बीच में स्किप कर दो। तो बहुत ज़रा सा टाइम उसके लिए ज़रूर अपनी प्रैक्टिस बनाए रखनी है कि आपने मैथ्स को 1 दिन भी छोड़ना नहीं। प्रैक्टिस ऑल द सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड बाय CBSE एंड DOE। जितने भी हमें सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए गए हैं उन्हें हमें थॉरली एंड अगेन बेटा रिवाइज करते रहना है, जिससे कि पेपर का पैटर्न भी हमें क्लियरली समझ आ जाए और टाइम मैनेजमेंट भी हम करना सीख जाएं। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर पैटर्न थॉरली एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। मेक ए चार्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज चैप्टर वाइज विद हेडिंग्स एंड रिवाइज देम डेली। आते जाते उन्हें इस तरीके से रखना है कि आप उन्हें एक बार देख के रिवाइज कर सकें फौरन। डू इनफ रिटन प्रैक्टिस ऑफ ईच टॉपिक। मेक द बेस्ट यूज ऑफ, अब जब पेपर आपके पास हाथ में आ जाएगा तब आपने क्या करना है, 20 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और आपको इसका बेस्ट यूज़ करना है बेटा। ये 20 मिनट में आप जो क्वेश्चन पेपर को समझ लेंगे, आप समझ लिए, आपको राइटिंग में भी उसके बाद वैसा ही करना है। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको आप मार्क कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली अपना पेपर अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं उन्हें सबसे बाद में करना है। ऑलवेज मैंशन करेक्ट सेक्शन एंड करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन द आंसर शीट। सेक्शन ए का अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो सेक्शन भी डालिए और क्वेश्चन नंबर भी सही लिखना है। आपने पहले किया सेकेंड क्वेश्चन सेक्शन ए का, आप वो लिख दीजिए। उसके बाद आप 10वां क्वेश्चन करते हैं मान लीजिए सेक्शन बी का, आपको वो अच्छे से आता है तो आप सेक्शन भी वहाँ पे मैंशन कीजिए बेटा।
क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल क्लियर कट, कोई घिचपिच नहीं करनी है। शीट्स में आपके पास सफिशियंट स्पेस होता है और आप उसके अलावा भी एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं। कोई घिचपिच नहीं, कोई काटा पीटी नहीं करनी, अवॉइड करनी है कटिंग्स को, जितना हो सके नीट पेपर करना है। हाईलाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी आपके फॉर्मूले हैं, है ना, कहीं भी आपको लगता है कि ये चीज़ मेरा आंसर है, उसको आप जरूर हाईलाइट कीजिए। पेंसिल कलर्स अपने साथ रखना। राइट द करेक्ट फॉर्मूला एंड करेक्ट यूनिट्स ऑलवेज। करेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तभी करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। यूनिट्स आपको हमेशा आंसर में जरूर मेंशन करनी है। ड्रॉ नीट क्लीन एंड लेबल डायग्राम्स क्लियर एवर नीडेड। जहाँ पे भी आपको लगता है कि डायग्राम्स बना के काम चलेगा तो आपको डायग्राम्स जरूर बनाने हैं, नीट क्लीन और लेबलिंग जरूर करनी है। थ्योरम्स में आपको डायग्राम सबसे पहले बनाना है, फिर गिवन टू प्रूव दैट कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, सब कुछ स्टेप वाइज जरूर लिखना है। सर्कल के थ्योरम में हमारी दो थ्योरम्स हैं, आपको दोनों बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स रीड क्वेश्चंस केयरफुली अगेन एंड अगेन। वर्ड प्रॉब्लम जो होती है उनको एक नहीं दो बार पढ़िए, जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर कट समझ आ जाए। केस स्टडी है, वहाँ में क्वेश्चंस को समझना पड़ता है पहले। डू नॉट मेक ए हरी, जल्दबाजी नहीं करनी। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। कोशिश कीजिए बेटा कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, जितना भी आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं कुछ तो आता होगा ना। ऐसा तो आपने अभी तक कुछ छोड़ा नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ बिल्कुल छोड़ दी है, तो आपको सब कुछ सबका सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो जरूर ही आता होगा, इसलिए कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। ऑलवेज रीचेक योर आंसर शीट बिफोर सबमिशन। अपना टाइम मैनेजमेंट आपको पेपर में इस तरीके से रखना है कि लास्ट के 10 मिनट से पहले ही आपका पेपर फिनिश हो जाए, उसके बाद अपना सारा आंसर शीट चेक कीजिए, कहीं कोई गलती ना हो गई हो, है ना, और कोई क्वेश्चन नंबर गलत ना लिखा गया हो या आपने कोई क्वेश्चन छोड़ ना दिया हो, जरूर चेक करना है बेटा, ये वेरी वेरी मस्ट है। अब देखिए पेपर पे आंसर शीट जो होगी ना बेटा, इस तरीके से आपके पास, उसमें सबसे पहले आप एक रबर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद सपोज सेक्शन ए का मैं पहला क्वेश्चन करती हूँ, आपने यहाँ पे सेक्शन मेंशन कर दिया, उसे बॉक्स में डाल दीजिए, एक ऐसे क्वेश्चन नंबर को भी बॉक्स में डाल दीजिए। फिर यहाँ आपने सॉल्यूशन कीजिए, जो भी रफ वर्क है वो यहाँ करेंगे आप, इसके साथ साथ यहीं पर नहीं करना। सपोज उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जो कि सेक्शन बी में है, तो सेक्शन आप ऊपर लिखिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 लिख दीजिए, फिर यहाँ काम कीजिए एंड इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सेक्शन मेंशन कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर, सारा रफ वर्क का काम आप यहाँ पे करेंगे। जब आप बिल्कुल अपना आंसर से सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब आप यहाँ फेयर वर्क में काम करेंगे। सो बेटा वर्क हार्ड एंड अचीव ऑल योर गोल्स, मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू विद ब्लेसिंग्स एंड लव।